कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के समुचित इलाज के लिए बनाए गए रैपिड रिस्पांस टीम से जिलाधिकारी केवीएन पांडियन और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने वर्चुअल मीटिंग किया और मरीजों की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने पीएचसी और सीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जिसे संबंधित केंद्रों के अधिकारियों के साथ होम आइसोलेट किए गए मरीजों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप के माध्यम से उन मरीजों की निगरानी की जा रही है, उसका फीडबैक डीएम और सीडीओ द्वारा प्रतिदिन शाम को वर्चुअल मीटिंग के द्वारा लिया जा रहा है और आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया। गोरखपुर में उनका वाकई में घर बनारस में है, यहाँ पे वो रेंट पे रह रहे हैं। सर पवन सिंह नाम है, सर पवन सिंह। पवन सिंह इनका भी येलोन में रख लीजिए, है ना, येलोन में रख लीजिए। कहाँ का आशंका आपको? सर वो बिल्कुल तैयार नहीं है, सर वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सब नोट करेंगे, तैयार करा लेंगे। देखिए तहसीलदार, तो आप चिंता मत करिए, आप बस नाम नोट कर लीजिए, बाकी भी देखते हैं। आप टेस्टिंग बढ़ाइए ताकि आपको पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बस। वैसे आपका टेस्टिंग तो अच्छा है स्ट्रैटेजिकली, बट और भी इसी बेस में जटेपुर जानते हुए 4 पॉजिटिव निकला है। जटेपुर का एमओ सील कर देते हैं, सफाई हो जाएगा, सैनिटाइज कर लेते हैं। और बाकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कितने लोग आते हैं, सबको सैंपल चेक करा लीजिए। वो मेडिकल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, हॉस्पिटल जैसे जगह में छोड़ देंगे तो लोगों को। सिविल लाइन्स होता है इस्माइल चक के एमओ सर। सर ये एक्चुअली इसमें जो एग्जाम चक्र सर एंटी खाने तो आज से स्टार्ट हुआ है इसका। इससे पहले सर आप लोग जो है ड्राफ्टा बाजार के साथ कॉर्डिनेट करके अपनी सैंपलिंग करवाते थे, तो आज सर टोटल 5 हुए हैं, जिसका पहले हमारे पास 5 पेशेंट थे जो कोविड निगेटिव हो चुके थे सर। एक पेशेंट जो है फिलहाल उस टाइम में सर आइसोलेशन में था, जिसकी एज सर 72 ईयर्स की वसूलना है। और मतलब कफ और ब्रेथलेसनेस कुछ भी नहीं था, उसको रेगुलर मॉनिटरिंग भी हो रही थी, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी सर उसका 98-99 अकॉर्डिंग इतना ही रह रहा था। आज वो सिर्फ 14 डेज में है सर बट होम आइसोलेशन में। बाकी सर जो फिर वो इज ओके ना? यस सर एब्सोल्युटली। और सर आप के जरिए से और जो उस पर गूगल मीट के जरिए से रोज़ 6 बजे हम लोग मीटिंग करते हैं रोज़ाना, ताकि उनके नीचे जिम्मेदारी दे रखा है, एक रैपिड रिस्पांस टीम दे रखा हूँ। जो इस समय में 1500 से ज़्यादा लोग हमारे घर पे हैं, लोग उनको दिन रात भर ख्याल रखना हमारे लिए काफ़ी जिम्मेदारी वाले काम है, ताकि घर पे है, उनका स्थिति क्या है, वो आदमी बोल रहा सही बोल रहा झूठ बोल रहा, उनका कोई सांस तो नहीं फूल रहा है, कोई सीरियस तो नहीं, ये लगातार हमें 24 घंटे देखे रहना होता है। इसलिए हम लोग MOAC PSC CSC उसके नीचे रैपिड रिस्पांस टीम बनाए, वो रोज़ जा कर के एक टीम तो जाके घर में जाके चेक करेगी उनकी स्थिति क्या है, एक टीम बैठ के एक जनपद लेवल पे और डॉक्टर के लेवल पे CSC लेवल पे फ़ोन से पूछेगी, उनका हालचाल लेगी, ताकि उनको तब तक वो 10 दिन वो क्वारंटाइन में है तब तक हम क्लोजली वॉच करेंगे। उसके बाद फिर 7 दिन, फिर यदि 10 दिन गुजर जाएगा फिर आदमी मामूली हो जाता है, फिर 7 दिन उनका रहना होगा। टोटल 17 दिन एक आदमी घर पर रह लेता है, फिर कोरोना का जो जंग में जीत जाएगा आदमी। बट इनका 10 दिन के अंदर कोई परेशानी होता तो तुरंत हमें L1, L2, L3 अस्पताल में शिफ्ट करके उपचार शुरू कराना होता है।